46,927 हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी को अधियाचना, आज के पेपर की ये मुख्य खबर है जो बिहार के सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के संबंध में है। पहली बार बिहार के प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक के पद की बहाली सरकार के स्तर पर हो रही है और बिहार में जो 9 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए प्रधानाध्यापक पद सृजित किया गया है और उस पर भी बहाली हो रही है। तो बहाली के लिए सरकार पहले रिक्तियों का समेकन करके बिहार लोक सेवा आयोग को भेजती है, फिर बिहार लोक सेवा आयोग उसका नोटिफिकेशन जारी करता है और नोटिफिकेशन में ही ये निर्धारित होता है कि रिक्तियाँ कितनी हैं, परीक्षा कैसे होगी और परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे, उसका सिलेबस क्या होगा। उसके बाद बीपीएससी चयनित करने के बाद फिर सरकार को भेज देता है कि ये चयनित लोग हैं और सरकार के स्तर से उनकी पोस्टिंग की जाती है। इस खबर की सबसे मुख्य बातें जो हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 2009 के बाद जो उत्क्रमित 6,431 माध्यमिक और प्लस टू स्कूल हैं वहाँ के लिए पद नया सृजित किया गया है प्रधानाध्यापक का, और प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,506 प्रधान शिक्षकों के पद हैं और इन सब के लिए अधियाचना बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अब बीपीएससी परीक्षा के जरिए इन रिक्त पदों पर चयन करेगा, इसके बाद उनकी नियुक्ति के अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजेगा। इधर शिक्षा विभाग स्कूलों में अनुशासन लाने के लिए प्रधानाध्यापकों को विशेष शक्तियां भी दे रहा है। अभी जो बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं वो विभिन्न नियोजन इकाइयों के अंतर्गत नियोजित हैं और उनको शक्तियां कम मिली हुई हैं, लेकिन ये जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद है ये बिहार सरकार के अधीन होगा, ये पंचायती राज इकाई के अंतर्गत नहीं होगा और इनको विशेष शक्तियाँ दी जाएंगी जिससे ये लोग प्रधानाध्यापक के कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष ढंग से कर सकेंगे। अलग अलग परीक्षा होगी दोनों के लिए, दोनों पदों के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। बीपीएससी इन दोनों पदों के लिए 150 अंकों की परीक्षा लेगा। वस्तुनिष्ठ प्रारूप की इस परीक्षा में 100-100 अंक सामान्य अध्ययन के लिए होंगे, कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए एक अंक निर्धारित है। इसमें 100 नंबर जो है वो जनरल स्टडी के लिए निर्धारित है। प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा में बीएड आधारित विषय वस्तु के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। अभी तक जो परीक्षा हुई थी आज से 17 साल पहले 2004 के नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो उसमें बिहार शिक्षा नियमावली से रिलेटेड प्रश्न आए थे, जैसे ट्रेजरी कोड क्या है, बिहार एजुकेशन कोड क्या है, ये सब प्रश्न होते थे। लेकिन अब जो परीक्षा का पैटर्न बदला है तो इस बार बीपीएससी जो परीक्षा लेगा उसमें 100 नंबर का जीएस का प्रश्न होगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईसीटी सभी से विषयों से प्रश्न होंगे, जो बीपीएससी का अब तक का पैटर्न रहा है। सामान्य प्रशासनिक पदों के लिए उससे काफ़ी सहायता मिल सकती है। इसके संग प्रधानाध्यापक जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों या माध्यमिक विद्यालयों के लिए होंगे तो उनके लिए बीएड के पाठ्यक्रम से आधारित पेडागोजी के 50 अंक के प्रश्न होंगे। इस तरह 100 अंक का जीएस और 100 अंक का पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होगा, कुल 150 अंकों की परीक्षा प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के लिए होगी। और प्रधान शिक्षक जो प्राइमरी मिडिल स्कूल के लिए होंगे उनके लिए जो प्रश्न होंगे तो उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन जीएस से होगा, जबकि 50 अंक का क्वेश्चन जो होगा वो डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड ट्रेनिंग कोर्स है जो न्यूनतम योग्यता होती है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, तो उसके पाठ्यक्रम से आधारित होगा। दोनों परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत क्वेश्चन करने के लिए 0.25 अंक यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पे एक अंक की कटौती कर ली जाएगी। प्रधानाध्यापक को 35,000 और प्रधान शिक्षक को 30,500 मूल वेतन मिलेगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपये तय किया गया है। महंगाई और दूसरे भत्ते जोड़ने के बाद इनका वेतन 50,000 के आसपास आंका गया है। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 आंका गया है। विभिन्न भत्ता आदि को जोड़कर 40,000 के आसपास होगा, यानी प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे उनको 40,000 के लगभग और हाई स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे उनको 50,000 के लगभग शुरुआती वेतन मिलेगा।
उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में पहली बार नियुक्त होंगे प्रधानाध्यापक, जो अभी 2009 के बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत हर प्रखंड में एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है। तो उसके लिए पहली बार पद का सृजन किया गया है और वहाँ पहली बार प्रधानाध्यापक की बहाली होने जा रही है। प्रदेश के प्राथमिक मध्य स्कूलों के लिए प्रधान शिक्षकों का पहली बार हो रहा है चयन। प्राथमिक मध्य स्कूलों में हेडमास्टर का पद नहीं होता था पहले, जो सीनियर टीचर होते थे उन्हीं को प्रभारी बना करके काम चलाया जाता था। अब पहली बार यहाँ भी प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। 17 साल बाद हो रही है नियुक्ति। इसके पूर्व करीब 17 साल पहले 2004 में BPSC के जरिए राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए थे। तब BPSC ने 2536 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय वे हैं जिनका टेक ओवर 1980 में किया गया था। 2010-80 के पहले जो विद्यालय लोगों के द्वारा आपसी सहयोग से बनाए गए थे उसी को सरकार ने राजकीयकरण किया था और सेवा शर्तें निर्धारित की थी। शिक्षा विभाग अब तक 50% प्रधानाध्यापक BPSC से और 50% पदों पर नियुक्ति प्रमोशन से करता रहा है, लेकिन अब नई जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नियमावली बनाई गई है उसमें प्रधानाध्यापक के 100% पद यानी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगे, BPSC के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किए जाएंगे। रिक्तियों की संख्या भी जिलावार दी गई है। सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ 1914 पूर्वी चंपारण में दी गई हैं। यहाँ रिक्तियों के संबंध में बताना चाहता हूँ कि रिक्तियों का कोई विशेष जिला वाइज अर्थ नहीं है, क्योंकि कैडर प्रमंडल वाइज बन रहा है, तो प्रमंडलवार रिक्तियों की गणना होगी और चयन जो होगा समेकित रिक्तियों के आधार पे बिहार में समेकित मेरिट लिस्ट बनेगी, इंटीग्रेटेड मेरिट लिस्ट होगी और लोग परीक्षा देंगे, चयनित होने के बाद उनको प्रमंडल स्तर पे नियुक्त किया जाएगा। तो ये पेपर की सूचना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द BPSC नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसमें ऑथेंटिक जानकारी होगी, जिसको मैं यथाशीघ्र अपलोड करना चाहूँगा। लेकिन अभी जो पत्र में छपा है वह न्यूज़ भी काफ़ी कारगर है और परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए और अपनी भावी तैयारी को आज से शुरू करने के लिए ये मददगार होगा। इसी आशा और विश्वास के संग मैं ये जानकारी आप सबको शेयर कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।